हाउ टू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा बच्चों, आज हमने आपके स्किल बूस्टर पैक में से पेज नंबर 34 यानी कि 34 करना है और उसका सवाल है तस्वीर का पहला हर्फ लिखिए। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें दी गई हैं, उनको देखना है, उनका नाम लेना है और उनके नाम लेने के बाद उसका जो पहला हर्फ है वो यहाँ पे आपने लिखना है। जब आप उनका नाम लेंगे यानी कि उनको पढ़ लेंगे तो आपको एक साउंड यानी कि एक आवाज महसूस होगी और उस आवाज के अकॉर्डिंग जो हर्फ आएगा वो आपने लिखना है। जैसे है पहला बिल्ली, बिल्ली, तो इसमें कौन सी आवाज आ रही है, बे की, तो बे जो है वो इसका पहला हर्फ है बिल्ली का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बे और बे नीचे होता है एक जूता, ये है जूता, जूता, तो इसमें कौन सी साउंड आ रही है, जीन की, जी, तो जीन है पहला हर्फ जूते का। ये है सीढ़ी, ये है सीढ़ी, तो सीढ़ी किससे स्टार्ट होती है, सीन से, यहाँ पे हम लिखेंगे सीन। ये है टमाटर, टमाटर, तो टमाटर का पहला हर्फ क्या है, टे, टे टमाटर, यहाँ पे हम बनाएंगे टे, टे के ऊपर होती है छोटी सी कोई। ये क्या है, हुक्का, हुक्का, अब आपको कौन सी आवाज आ रही है, हे की, जी, हे हुक्का, यहाँ पे हम लिखेंगे हे। ये है दरख, दरख, तो दरख का पहला हर्फ क्या आ रहा है, दाल, यहाँ पे हम लिखेंगे दाल। पतंग, पतंग, पहली साउंड क्या आ रही है, पे की, तो इसका मतलब है पे पतंग, पहला हर्फ जो है पतंग का वो क्या है, पे, पे के नीचे होते हैं तीन नुक्ते। शेर, शेर, जी, शीन, शेर, यहाँ पे हम लिखेंगे शीन और शीन के ऊपर होते हैं तीन नुक्ते। ये है ताला, ताला, ते ताला, आप जब उस तस्वीर का नाम लेंगे यानी कि बोलेंगे तो वो एक आवाज निकलती है, उससे भी आपको हर्फ की पहचान हो सकती है। उसके बाद है जहाज, जहाज, किसकी आवाज आ रही है, जीम, जीम, जहाज, यहाँ पे हम लिखेंगे जीम, जीम की वैल्यू होता है एक डॉट। खरगोश, खरगोश, किसकी आवाज आ रही है, खे की, खे, खरगोश, यहाँ पे हम लिखेंगे खे और खे के ऊपर होता है एक नुक्ता। ये है अनार, अनार किससे बनता है, अलीफ से, अलीफ, अनार, यहाँ पे हम लिखेंगे अली। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं, वे बिल्ली, जीन जूता, सीन सीढ़ी, पे टमाटर, हे गुप्ता, दाल दरख, पे पतंग, शीन शेर, ते काला, जीन जहाज, खे खरगोश, अली अनार। तो बच्चों, इस तरह आपने अपने स्किल बूस्टर पैक में पेज नंबर 34 कंप्लीट करना है। शुक्रिया।